क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करना है ये। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे इन साइड द ब्रैकेट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। ठीक है, ये लिख देना। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब 1, माइनस है तो माइनस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब टेन एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब 1 और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब टेन एक्स। ठीक है, अभी हमने फिलहाल क्या किया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया है। फ़ायदा क्या होगा इसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन रहा है, ऐसा कुछ, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। देखो ये फॉर्मूला किसका है, टेन एक्स प्लस टेन वाई का है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो टेन एक्स माइनस टेन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, लिख दूँ यहाँ पे मैं, ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है हमारा टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस वाई का। क्या ये बन रहा है यहाँ पे, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा। देखो टेन इनवर्स 1 को मैं लिखने वाला हूँ टेन पाई बाय 4, एक ही बात है, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, फिर माइनस है माइनस, टेन एक्स की जगह पर टेन एक्स और अपॉन में 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस है तो प्लस लिख दिया। यहाँ पे क्या है, टेन एक्स इंटू में टेन वाई, टेन एक्स क्या है मेरा टेन पाई बाय 4, तो टेन पाई बाय 4 इंटू में टेन वाई मतलब टेन एक्स। अब देखो क्या फॉर्मूला बना, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। क्या ये दोनों इक्वल है, 1 की जगह पर टेन पाई 4 लिखिए, एक ही बात है, माइनस है माइनस है, टेन एक्स है टेन एक्स है, 1 है 1 है, प्लस प्लस टेन एक्स है, यहाँ पे क्या टेन पाई बाय 4 इंटू में टेन एक्स, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू टेन एक्स टेन एक्स ही आएगा, है ना, सेम ही है। मुझे ये फॉर्मूला याद था, इसकी हेल्प से मैंने इसे इसमें चेंज कर दिया ताकि ये मिल जाए हमें टेन एक्स माइनस वाई और हमारा टेन इनवर्स कैंसिल हो जाए। बात समझ में आई, तो अभी एक डाउट होगा आपके पास, ये क्या आएगा फिलहाल, तो अभी हमारे पास टेन एक्स माइनस वाई, एक्स हमारा क्या है पाई बाय 4 और वाई क्या है हमारा एक्स है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। अभी डाउट क्या होगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा ये बात कि इसे हमें कॉस एक्स से डिवाइड करना है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी ना हमने ऐसा कुछ किया था, जाके देखना जरूर। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है, कुछ ऐसा आएगा ना तब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने ऐसा क्वेश्चन देख लिया है तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकोगे। ठीक है, तो ये याद रखना टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और ये याद रखना टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है।